और दोस्तों, रिव्यू सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी टिप्स, यानी अगर आप चाहती है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिससे आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल रिव्यू सपोर्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, प्रेगनेंसी एक बेहद खुशी का समय होता है। इस समय प्रेग्नेंट महिला काफ़ी खुश होती है क्योंकि उनके गर्भ में एक शिशु पल रहा होता है। जितना वो खुश होती है उतना वो टेंशन में भी रहती है क्योंकि वह इस समय सोचती है कि वह क्या करे क्या ना करे जिससे उनके गर्भ में पल रहे शिशु को नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इस समय उनकी चिंता काफ़ी दोगुनी बढ़ जाती है। उनके घर के लोगों को भी चिंता होती है कि वह कोई गलत काम न करे जिससे उनके गर्भ में पल रहे शिशु को कोई गलत प्रभाव पड़े, और उनको ढेर सारे सलाह मिलते हैं कि आप ऐसे करें आप वैसे करें। तो लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातों को बताऊँगा जिसे अपनाकर आप नॉर्मल डिलीवरी के होने के चांसेस को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या टिप्स हैं। पहली बात, आपको प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल डिलीवरी के लिए टहलना बेहद ज़रूरी है। आप वैसे तो ज़्यादा देर तक आपको चलना सही नहीं है, या आपको प्रेगनेंसी के दौरान सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना भी सही नहीं है, लेकिन अगर आप चाहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो आप थोड़ा बहुत ज़रूर टहलें। टहलने से आपके शरीर की जो फिटनेस होती है वह सही रहती है और यह नॉर्मल डिलीवरी के होने में काफ़ी मदद करता है। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान टहलना आपके लिए एक व्यायाम है तो आप इसे ज़रूर करें। अब बात करते हैं दूसरी बात, व्यायाम करें और खुश रहें। आपको प्रेगनेंसी के दौरान छोटे मोटे एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर को जो रक्त संचार होगा वो चलता रहेगा और आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमेशा कंटिन्यू रहेगी, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी मदद मिलेगी। और आप खुश इसलिए रहें क्योंकि अगर आप खुश रहेंगी तो इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और उसका भी पॉजिटिव नेचर होगा। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान खुश रहना काफ़ी ज़रूरी है। अब बात करते हैं तीसरी बात, पानी पीना। आपको प्रेगनेंसी के दौरान पानी जरूर पीना चाहिए। पानी आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। पानी कई रोगों से लड़ने में मदद करता है। अगर आप पानी पीती है तो इससे आपके शरीर में काफ़ी फायदा होता है। आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं चौथी बात है, आप स्वस्थ आहार लें। आप स्वस्थ आहार का चयन करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको स्वस्थ आहार का सेवन करना चाहिए। ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स और ढेर सारे प्रोटीन्स मौजूद हो। इसका सेवन करने से आप तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी, जिससे आपका गर्भ में पल रहा बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, यही थे कुछ बातें जिनका ध्यान आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल रिव्यू सपोर्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें।